गुरुग्राम जिले के नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के सौजन्य से हम सब भारतीय हैं एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय श्री सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी ने अपनी गरमामयी उपस्थिति दी। आयोजन की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, उसके पश्चात संस्था की मुख्य टीम श्री सुरेंद्र सैनी, के गांधी, गुंजन मेहता व जगत पाल सिंह ने लालपुरा जी का स्वागत किया व आयोजन में आए सभी महानुभवों ने अपना परिचय देते हुए आयोजक के मुख्य अतिथि का संबोधन सुना। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समस्याएं होती हैं खड़ी की जाती है, उसका हम बैठ के जहाँ समस्या होती है हल भी वही आती है। आपके मन में, हमारे मन में, किसी के मन में डर की भावना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ये इसमें या इसमें मेरी सुनवाई करने वाला, के लिए हम आपके साथ हैं, आप सभी लोग मिलके, लेकिन सबसे साथ वार्ता करनी पड़ेगी, बातचीत करनी। आदमी को दूसरे से वैसे ही डर लगता है, तो जब बात करेंगे सब ठीक हो जाएगा, ये करेंगे। देखो देश, हम सभी भारतीय हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और सभी धर्म भी है वो अच्छे मन इंसान बनने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो दिखाते हैं। एक अच्छा इंसान बने, अच्छा भारतीय बने, आज हमारा देश दुनिया में 5 नंबर की इकॉनमी बन गया है, एक स्ट्रॉन्ग पावर है। जब हम ये कहते हैं यूक्रेन वालों को लड़ाई बंद कर दो, रशिया वालों को कहते हैं बंद कर दो, क्योंकि हमने अपने बच्चे निकाले, तो हमारे पड़ोसी भी हमारा झंडा पकड़ के आते हैं। कैंसर अब ये स्थिति है कि वी कैन डायरेक्ट दी कंट्रीज, आगे स्थिति उससे अलग थी। तो जब हम देश के ये अमृत महोत्सव में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो इसको आगे ले जाएं, अपनी नस्लों के लिए एक अच्छा भारत बनाएं, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास कर रहे हैं, सभी मिलके इस भारत को, इस हिंदुस्तान को सुंदर बनाएं। उसका मार्ग जो है हमारे पास स्पष्ट है। मैंने जब बोल रहा था तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी को भी कोट किया था, जिन्होंने कहा जब गुलामी को दूर करना है तो हर भारतीय को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि देश की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानी दी उनमें से 90% लोग जो हैं सिख धर्म को मानने वाले थे, तो उसी के द्वारा जब मैंने बात की स्वामी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तब भी देश में समस्या थी। उन्होंने कहा आज़ादी के लिए हर आदमी को अपना एक बच्चा सिख बनाना चाहिए, सिख का मतलब ये था जो संत हो, सिपाही हो, कुर्बानी के लिए तैयार हो, और देश के लिए उस समय लड़ने की जरूरत थी, बहादुर लोगों की जरूरत थी। तो वो एक अलग जो संकल्प है आज हमारे देश को जहां नरेंद्र मोदी जी लेके आ गए हैं, वहां हम सब भारतीयों को उसके मार्ग पे चलने के लिए, उनको अपना हीरो बना के, उनके बनाए रास्ते पे चल के हमको आगे बढ़ना होगा। आज हमारे बैंक घाटे के नहीं हैं, आज हमारे बैंक मैक्सिमम जो है वो कमाई कर रहे हैं, और लोगों में, दुनिया भर में हमारे बैंकों के ऊपर विश्वास बढ़ा है। तो मोदी जी जब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबका फर्ज है, क्योंकि देश तो हमारा है, वो तो एक ऐसे साधु हैं जिनके पास कोई अपनी जायदाद बहुत बड़ी नहीं है। इकबाल साहब, आपने कहा कि इंडिया नाम से है, ये सभी के साथ मिलके करने वाली बात है, लेकिन मैं जब भी बोल रहा था मैं ये कह रहा था ये भारत देश है, ये हमारी संस्कृति का देश है, हमारे गुरुओं ने, सिखों ने इनके लिए, गुरु नानक साहब ने क्या हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान शब्द की इस्तेमाल किया है अंग्रेज, ये शब्द बहुत सारी चीजें मोदी साहब ने चेंज की है। हमारा तो बजट भी अंग्रेज के मुताबिक चलता था, उसकी डेट भी चेंज हुई है, और बहुत सारा जो कानून बने थे हमसे, बहुत सारे कानून बंद किए हैं। तो हम धीरे धीरे नहीं चाहते कि गुलामी की कोई भी चीज हमारे सामने आए और हमारे देश के नागरिकों को गुलामी की याद दिलाई जाए। ये जरूर याद दिलाना चाहिए कि कितने जुल्म हुए, कितने लोग मारे गए, और किस तरह आज भी जो मिनोरिटीज को मैंने कहा इनके मन में डर की भावना पैदा की गई है, वो डर की भावना दूर हो,
देश आगे बढ़े, जैसे मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, ऐसे हम सबको उनके सिपाही, उनके साथी बनना चाहिए। एक प्रश्न तो मैं आप सभी मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने व्यस्त समय में आज गुरुग्राम में इतने सारे आयोजन है, फिर भी आपने इस आयोजन की गरिमा को समझकर अपना समय निकाला। आज का ये आयोजन नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के सौजन्य से हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि हम सभी को मिलकर के भारत को आगे बढ़ाना है। भारत में जन कल्याण के ऊपर भारत सरकार की लगभग 125 नीतियां हैं और उन नीतियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार है, वो उसका फायदा ले सकता है समाज को आगे बढ़ने में, अपने आप को कल्याणकारी कार्यों में आगे लगाने के लिए। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को, उस काम को समझाने के लिए हमारे बीच अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी यहाँ आए थे और उन्होंने बड़े ही अच्छे से प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति, चाहे हमारे सिख धर्म से हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, जैन समाज के व्यक्ति, उन सभी को इसके बारे में बताया। आज हम सभी गुरुग्राम वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इकबाल जी, वो आए और उन्होंने बताया कि जो पॉलिसीज हैं भारत सरकार की 125 के करीब हैं, वो सबके लिए बराबर है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य कोई भी जो उसके अंदर समुदाय या धर्म के व्यक्ति हैं, वो सब पर समान रूप से वो काम करें। और एक ऐसा अच्छा संदेश, हमारा देश की जो एकता और अखंडता है, वो हम सबके, जो भी हमारे धर्म हैं, समुदाय हैं, वो सब साथ मिलकर चलेंगे, सबके कल्याण की हम बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश, भारतवर्ष विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी संदेश के साथ आज वो हमारे बीच आए थे, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद। कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था, जो मोदी साहब ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन लालपुरा जी की जो ड्यूटी लगाई है देश भर में, कि सरकार की जो नीतियाँ हैं अल्पसंख्यक आयोग के, अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो उन नीतियों को लोगों के सामने तक पहुँचाएँ, ताकि लोग उसके बारे में जागरूक हो सकें और इनके दिल में ये बात बिल्कुल भी ना आए कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो आज के जो है प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जो हमारे समाज में जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है, उन लोगों को जागरूक किया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके लिए हर तरह की नीतियाँ इस तरीके से देख के बना जाएगा जिसके कि जो फायदा जनरल कैटेगरी को रहा है वही उनको होगा, इसमें कहीं सरकार भेदभाव नहीं करी, ताकि सरकार के खिलाफ उनकी जो कंट्रोवर्सी, जो दिमाग में जो गलत भावना घुसी हुई है, उसको दूर करने के लिए आज का ये गुड़गांव के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव वातावरण में ये प्रोग्राम हुआ है, सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित थे और जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने भी सारी बातें एकदम स्पष्ट की, शुरू से 47 से लेकर के सारी हिस्ट्री को बताया और किस तरीके से क्या क्या इलेक्शंस होती हैं, क्या क्या भय माइनॉरिटी के मन में रहता है और उनको दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सारा आज उन्होंने बताया और बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में बताया और लोग काफ़ी क्लैरिटी के साथ आज इस चीज़ को लोग लेकर के घर जा रहे हैं।